Hello, what's up guys? My name is Abhijit Singh Bajwa and you are watching my channel Unlimited Gyan. Please इस channel को subscribe कर दीजिए for more updates. उससे पहले पिछली video पर भाई आपने बिल्कुल भी प्यार नहीं दिया मेरे को, एक आने उन्होंने बंदे ने नहीं देखा जैसे मेरे सब्सक्राइबर ने. मेरे सिर्फ 8 सब्सक्राइबर हैं, वो भी मैं अपने दोस्तों से करवा लिए हैं. एंड मेरे जो व्यूज़ हैं टोटल, वो तो भाई मैं आप ही देख देख कर पूरे कर लेता हूँ. तो प्लीज़ इस वीडियो को भाई थोड़ा बहुत अच्छे शेयर कर दीजिए, कोई अननोन बंदा मेरी वीडियो देख ले. तो आज हम कुछ आपकी फेवरेट गेम पबजी के रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो आपने पहले नहीं सुने होंगे. तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए एंड इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए. उससे पहले भाई आज का लाइक है मैं 8 लाइक्स का एंड हैशटैग 10 सब्सक्राइबर्स ऑफ अनलिमिटेड गेम. 2 सब्सक्राइबर्स रह गए हैं, प्लीज़ इस चैनल पर भी 10 सब्सक्राइब कर दीजिए. तो बिना टाइम वेस्ट करिए आज की वीडियो करते हैं शुरू. फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि आपके लिए पबजी 100 साल तक बैन हो सकती है? हाँ भाई, ये सच बात है. ये सिर्फ तभी होता है अगर आप उनके रूल्स को ब्रेक करते हो. जैसे आपका गलत बिहेवियर पबजी गेम में, उसका रिजल्ट होता है कि आप 3-4 दिन के लिए बैन हो सकते हो. मगर अगर आप चीटिंग करते हो, अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करते हो, अगर आप गेम को हैक कर कर खेलते हो, जब थर्ड पार्टी ऐप से आप गेम को डाउनलोड करते हो, तो तब पबजी आपके लिए 100 साल तक पूरी बैन है. पबजी 100 साल तक बैन कर देता है उस अकाउंट को. लेकिन अगर आपका अकाउंट गलती से बैन कर दिया गया है, आपने पबजी को एक लेटर लिखी है, उसमें आपने पूरा ट्रुथ बोला है, तो भाई आपका अकाउंट अनबैन हो सकता है. तो मिला ना कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 2, एवरी गन इन पबजी हैज़ अ यूनिक फिजिक्स. मतलब पबजी में डिफरेंट डिफरेंट गन्स का डिफरेंट डिफरेंट डैमेज होता है, रिकॉल होता है, रीलोडिंग स्पीड होती है. अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो इन अ रियल लाइफ और इन अ पबजी गेम कार 98 में बहुत डिफरेंट है. इन अ रियल लाइफ कार 98 300 मीटर्स पर जाकर गिर जाती है, मगर इन अ पबजी अगर आप उसको 8x से मारोगे तो भाई वो तो 3-4 किलोमीटर दूर तक चल सकती है. ऐसे बहुत सारी गन्स जो होती हैं पबजी में, वो रियल लाइफ गन से बहुत अलग होती है. फैक्ट नंबर 3, पबजी की फुल फॉर्म है प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड. ठीक है, जो प्लेयर अननोन वर्ड है वो कहाँ से आया? जो पबजी का डिज़ाइनर है ब्रैडन ग्रीनी, उसका जो निक नेम है वो है प्लेयर अननोन. वो इंटरनेट पे भी बहुत मशहूर है इस नेम से. मतलब जैसे आपका निक नेम होगा चिंकू, मिंकू, अबू, ऐसे उसका निक नेम था प्लेयर अननोन. तो इस निक नेम से पबजी का नेम रखा गया प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड. फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि जो पबजी है वो इस दुनिया की सबसे ज़्यादा हाइस्ट ग्रोसिंग गेम बन गई है. मतलब जो पबजी की टोटल नेटवर्थ है वो है US के $34 मिलियन. यह बहुत ज़्यादा आती है. आज तक GTA गेम्स ने इतना कमाया है, या अगर काउंटर स्ट्राइक ने कमाया होगा, या कॉल ऑफ ड्यूटी ने. मतलब पबजी एक हाईएस्ट ग्रोसिंग गेम्स में बन गई है. वो मेरे को पता नहीं है टॉप 10 की लिस्ट में कौन सी पोजीशन पर है, क्योंकि कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है उसकी नेटवर्थ की. तो एक एस्टिमेटेड या रूमर्स के हिसाब से उसकी जो नेटवर्थ है वो $34 मिलियन है. एंड जो पबजी गेम है वो टॉप 10 में आती है. फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है जो पबजी में सबसे ज़्यादा बेस्ट कार है वो कौन सी है? हाँ जी, उस कार का नाम है डैकिया. उस कार की सबसे ज़्यादा स्पीड है, माइलेज है एंड प्रोटेक्शन है. ये कार सबसे बेस्ट मानी जाती है एक टीम के लिए, क्योंकि इस कार में सबसे ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी होती है. तो मेरा ना कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 6, आप मेरे को बता सकते हो कि सबसे ज़्यादा पबजी लोग मोबाइल में खेलते हैं या PC में खेलते हैं? इसका आंसर है सबसे ज़्यादा पबजी लोग खेलते हैं मोबाइल में. ओनली 31% ऑफ द जो पीपल्स हैं वो PC में खेलते हैं, बाकी जो सभी के बचे कुचे वो मोबाइल में खेलते हैं. आजकल तो भाई हर कोई पबजी में लगा है. पबजी जिंदाबाद, कमेंट में लिखना हैशटैग पबजी जिंदाबाद. फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि ये पबजी इंडिया की ऐसी पहली गेम है जिसने टेलीविज़न पर एडवर्टाइजमेंट की थी, इंडिया के टेलीविज़न पर? तो भाई कुछ अलग ही हो गया ना भाई. ये आपको जो ऐड मैं अभी दिखाने वाला हूँ, जो उसी पबजी की टेलीविज़न ऐड है, आप देख सकते हो.
डाउनलोड करें और खेलें। फैक्ट नंबर एक, क्या आप जानते हो कि जो बोर्ड्स का कॉन्सेप्ट है वो पबजी में क्यों आया? इसके मेनली टू रीजंस हैं। जो पहला रीज़न, आपको पता होगा कि जो बोर्ड है वो एक रियल प्लेयर को नहीं मार सकता, एंड इसीलिए गेम में थोड़ा सा प्लेयर्स को इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए वो बोर्ड्स को इंट्रोड्यूस करते हैं पबजी में। एंड दूसरा रीज़न है, जब जो एक न्यू प्लेयर जो अपनी गेम स्टार्ट करता है तो अगर वो सीधे प्रो प्लेयर से लड़ेगा तो भाई फिर तो उसका इंटरेस्ट ही टूट जाएगा, ये मेरे को आते मार देता है। इसलिए थोड़ा सा उसको गेम में पता चलना चाहिए कि कैसे बंदा मारते हैं, इसलिए बोर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। वो एक कंप्यूटराइज होते हैं, वो कोई रियल प्लेयर नहीं होता भाई। एंड बोर्ड्स का एक फ़ायदा होता है भाई, एक बोर्ड के पास हमेशा M416 होती है या बैरल होती है, तो बोर्ड्स का भी भाई फ़ायदा होता है थोड़ा थोड़ा पबजी में। फैक्ट नंबर 9, आप मेरे को क्या बता सकते हो कि वो पबजी में जो ड्रॉप्स होते हैं वो किस जगह ड्रॉप होते हैं? नहीं बताना। इसका सिंपल ही आंसर है, आपने देखा होगा कि जो ड्रॉप्स होते हैं वो पबजी में हमेशा सेफ जोन में ड्रॉप होते हैं। आपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैं गेम खेल रहा हूँ पबजी, एंड जो ड्रॉप हुआ है वो हमेशा सेंटर में होता है, सेफ जोन में। फैक्ट आप चेक कर सकते हो, अभी पबजी खेलो, अपने ही पहले वीडियो देख लो, आप देखो कि वो हमेशा सेंटर में ही ड्रॉप होएगा। तो ये भी एक फैक्ट था। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है जो पैसिफिट होता है ना, मतलब अगर आप चेक करोगे अपने फ्रेंड्स लिस्ट को